तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि गिवन दैट वन प्लस कॉस अल्फा इंटू वन प्लस कॉस बीटा इंटू वन प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा इंटू वन माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा एल एच एस टर्म और आरच एस टर्म को हम जब देखें तो इसमें कुछ कॉमन चीज देखने को मिल रहा है देखिएगा ध्यान से अगर इसके कम्बिनेशन में कॉस वन प्लस कॉस अल्फ़ा डाल दिया जाए तो ये वन बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक हो सकता है ये भी ब्रेक हो सकता है ये भी ब्रेक हो सकता है और आगे का कहानी कुछ इस प्रकार है शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी इज साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा ठीक है तो ये टर्म हमें लाना है इक्वेट करना है तो सबसे पहला काम अभी हमने देखा कि यही सेम टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दे ये टर्म से इसको और ये टर्म से इसको दैट मीन्स ये एलच टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे ठीक है तो ये बात हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by 1 plus cos alpha into वन plus cos beta into वन plus cos gamma से so मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये टर्म और ये टर्म सेम टाइम्स है सॉरी सेम चीज है यानी कि चढ़ जाएगा स्क्वायर ये भी टर्म वन प्लस कॉस बीटा का चढ़ेगा स्क्वायर इनटू ये टर्म भी चलेगा वन प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा इसके कम्बिनेशन में इसको डालते हैं वन प्लस कॉस गामा को उसके बाद लिखते हैं हम लोग वन माइनस कॉस बीटा और इसके कम्बिनेशन में ये डालते हैं वन प्लस कॉस बीटा अब लिखते हैं हम लोग वन माइनस कॉस गामा और इसके कम्बिनेशन में डालते हैं वन प्लस कॉस गामा को ये सभी पे देख सकते हैं कि स्क्वायर है यानी हम चढ़ा सकते हैं होल स्क्वायर वन प्लस कॉश अल्फा इंटू वन प्लस कॉस बीटा इंटू वन प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन जबकि ये बन जाता है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट बंद यहाँ से भी देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वन माइनस कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन ही देगा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गामा ठीक है beta, अच्छा इस छूट गया था कॉस बीटा इंटू वन प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर है इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा ठीक है दिस इंप्लाइज वन प्लस कोस अल्फा इंटू वन प्लस कोस बीटा इंटू वन प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सभी पर स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर चढ़ेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा होल स्क्वायर चढ़ेगा ठीक है यहां तक चलिए वन प्लस कॉस अल्फा इंटू वन प्लस कॉस बीटा इंटू वन प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर चढ़ेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ब्राइकेट साइन अल्फा इंटू शाइन बीटा इंटू शाइन गामा और होल स्क्वायर क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी रिजल्ट पॉजिटिव देता है पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है ठीक है तो यहाँ से हमने देखा स्क्वायर से स्क्वायर हो जाता है कैंसिल वन प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू वन प्लस कॉस बीटा इंटू वन प्लस कॉस गामा का जो वैल्यू आया है प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा इक्वेट करने पे ये वैल्यू हमें मिल जाता है इस क्वेश्चन में आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो आगे ठीक है तो इस प्रकार हमने देखा कि ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व उम्मीद करते वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा